इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक झिलमिल की कक्षा 2 का पाठ 10, जिसका शीर्षक है खुद को जाने, यानी हमें सबसे पहले स्वयं को जानना है। तो ये देखो बच्चों, हमें अपने शरीर के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमारा शरीर एक है और इसके अंग अनेक हैं। ये देखो चेहरा, ये सिर, ये भौहें, आंख, कान, नाक, मुंह, होंठ, दांत, जीभ, पेट, नाभि, हाथ में ये इसकी कलाई, हाथ, ये अंगुलियां, ये अंगूठा, ये भुजा, ये कोहनी, टांगे और ये पैर। ये सारे अंग बच्चों एकजुट होकर अपना अलग अलग काम करते हैं और इस हमारे पूरे शरीर को चलाते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि हमारी आंखें, कान और नाक क्या काम करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का पाठ भी इन्हीं बातों पर आधारित है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कि हमारे शरीर के कौन कौन से अंग हैं और वो क्या काम करते हैं। इस बात को एक कविता के रूप में बताया गया है। आओ हम सब खुद को जाने, आओ हम सब मिलकर अपने आप को जाने, खुद को जाने। भला बुरा अपना पहचाने, भला बुरा यानी हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या खराब, वो सब बातें पहचाने, उनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। देखो मेरा तन है एक, ये देखो मेरा तन यानी मेरा शरीर है एक, किंतु इसके अंग अनेक, लेकिन इसके बहुत सारे अंग हैं। अंग कौन से? जैसे बाल, सिर, कान, मुंह, नाक, आंखें, हाथ, टांग, पेट, अंगूठा, अंगुलियां, ये सब। एक चेहरा और दो हैं कान। क्या है हमारे? एक चेहरा है और दो हमारे कान हैं। कान से हम क्या करते हैं? सुनते सब कुछ देकर ध्यान। कान से हम सब बातें ध्यान देकर सुनते हैं। अभी ये मेरी आवाज भी आप कहाँ से सुन रहे हो? कानों से। दो आंखें इतनी अनमोल, अनमोल का अर्थ है अमूल्य, और दो हैं हमारी ये अमूल्य आंखें। भले बुरे को देती तोल, आंखों से हम क्या करते हैं? देखने का काम। तो साथ ही ये आंखें भला बुरा सबको पहचान लेती है। तोल का अर्थ है पहचान करना, कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो सामने वाले की नियत हम आंखों से पहचान लेते हैं। मुंह से करते प्यारी बात, और मुंह से हम क्या करते हैं? प्यारी प्यारी बातें करते हैं। अभी मैं मुंह से बोल रही हूं, मुंह से हम प्यारी प्यारी बातें करते हैं। नाक सांस लेती दिन रात, और हमारी नाक दिन रात क्या काम करती है? सांस लेने का। दांत चबाते हैं भोजन, और दांतों का क्या काम है? भोजन को चबाना। भोजन यानी जो हमारा खाना, जो भी हम खाते हैं वह सब हमारे दांत चबाते हैं, और भोजन को जब दांत चबाते हैं तो उससे क्या होता है? ताकत पाता जिससे तन। ताकत यानी शक्ति या जो पावर मिलता है, ऊर्जा मिलती है, वो हमारे तन यानी शरीर को जब दांत भोजन को चबाकर खाते हैं उससे मिलती है। रसना देती उनका साथ, दांतों का साथ कौन देती है? रसना। रसना का अर्थ है जीभ। तो इस भोजन को चबाने में साथ कौन देती है? हमारी जीभ। खाकर रोटी दाल और भात, क्या खाते हैं हम? जो भी हम रोटी दाल भात का अर्थ है चावल, जो भी हम खाते हैं वह सब दांत उनको चबाते हैं और हमारी जीभ उनका साथ देती है। माथा ठोड़ी, ये रहा माथा,
ये ठोड़ी, ये होठ और ये प्यारे प्यारे गाल, सिर पर चमके काले बाल और सिर पर ये काले काले बाल। तो जब हम भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाएंगे तो हमारे सिर पर चमकीले बाल होंगे। दो हाथों ने किया कमाल, और हमारे दो हाथ हैं जिनसे हम कमाल करते हैं। कमाल यानी चमत्कारिक कार्य करते हैं। हाथों से ही हम खाना खाते हैं, हाथ हिलाकर हम बातचीत करते हैं, हाथों से हम लिखने का काम करते हैं, किसी भी चीज को पकड़ने का काम करते हैं। तो इन दोनों हाथों ने तो हमारे जीवन में कमाल ही कर दिया। दो पैरों की सुंदर चाल, और इन दो पैरों की वजह से हम सुंदर, हमारी चाल होती है, पैरों से हम चलते हैं। जिनका सुंदर स्वच्छ शरीर, स्वच्छ यानी साफ सुथरा, जिसका शरीर जितना सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ है, चमकेगी उनकी तकदीर। तकदीर का अर्थ है किस्मत। उन्हीं लोगों की किस्मत चमकेगी जो अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अपने शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखते हैं। तो इस तरह बच्चों आप समझ ही गए होंगे ना कि हमारा शरीर एक ही है, लेकिन इसके बहुत सारे अंग हैं जो अपना अपना कार्य भली भांति करते हैं। तो इस तरह सारे अंग मिलकर हमारे इस शरीर को चलाते हैं। तो जितना हम इस शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ रखेंगे उतना ही हम अच्छा कार्य करेंगे, हमारी किस्मत उतनी ही अच्छी चमकेगी। अब बच्चों इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। आइए शब्दों के अर्थ जानें। जैसे खुद का अर्थ है अपने आप या स्वयं को, तन का अर्थ है शरीर, अंग का अर्थ है शरीर का भाग, जैसे आंख, नाक, कान, ये सब क्या है, हमारे शरीर के अंग हैं, यानी हमारे शरीर के भाग हैं। ताकत का अर्थ है बल, रसना का अर्थ है जीभ, स्वच्छ का अर्थ है साफ और बहुत का अर्थ है अधिक। कविता से, कविता में अनमोल अंग किसे कहा गया है, तो कविता को अभी पढ़ा ना आपने, कविता में अनमोल अंग आंख को कहा गया है। भोजन चबाकर खाने से क्या क्या लाभ होते हैं, भोजन चबाकर खाने से शरीर को ताकत मिलती है, साथ ही भोजन का पाचन अच्छा होता है जिससे बाल काले और चमकीले बनते हैं। हम सांस किससे लेते हैं, हम सांस नाक से लेते हैं। आपकी बात, प्रातः उठकर आप क्या क्या करते हैं, तो ये बच्चों आप जो भी काम करते हो वह लिखना है। प्रातः उठने के बाद सबसे पहले मैं अपनी दिनचर्या पूरी करने के बाद पास के बगीचे में घूमने जाती हूँ। उसके बाद मैं अपने स्कूल का बस्ता तैयार करती हूँ, फिर नाश्ता कर स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। शरीर के अंगों की साफ सफाई के लिए आप क्या करते हैं, क्या इसके लिए अपने माता पिता की भी सहायता लेते हैं? तो शरीर के अंगों की साफ सफाई के लिए मैं रोजाना स्नान करती हूँ। नाखून और बाल काटने के लिए मैं अपने माता पिता की भी सहायता लेती हूँ। आंखें खुली होने पर तो आप सभी चीजों को पहचान लेते हैं, परंतु आंखें बंद करने पर आप क्या क्या पहचान सकते हैं? तो ये उदाहरण के लिए बच्चों मैं बता रही हूँ, आपको अपने हिसाब से बताना है। जैसे आंखें बंद होने पर भी हम चीजों को छू कर पहचान सकते हैं, जैसे चप्पल, जूते, किताब, पेन आदि, या कोई वस्तु ठंडी या गर्म। पढ़ें, बोलें और लिखें, जैसे आंखें, तो यहाँ पर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है आंखें। मुंह, अंग, अनमोल, सुंदर, शरीर। मिलान करें, नाक क्या काम करता है, नाक सूंघने का काम, तो सूंघना। कान, सुनना। आंख, देखना। पैर, चलना। जीभ, चखना। हाथ, काम करना। दांत, चबाना। रंग भरें, प्रत्येक गुब्बारे में लिखे वर्ण को पहचान कर बताया गया रंग भरें। जैसे क्षय में लाल रंग भरना है, ये रहा। त्रय में हरा,
और श में नीला और गे में पीला। आपने कितना सीखा बच्चों? पिछले 3 पाठों में हमने क्या सीखा वह सब हम यहाँ पर फिर से करेंगे। जैसे सही शब्द छांट कर लिखें, तो इन दोनों में कौन सा शब्द सही है, गोलाई या गुलाई? तो ये होगा गोलाई। कढ़ाई या कढ़ाई? कढ़ाई। औषधि या औषधि? यह आएगा औषधि। स्वतंत्र यह आएगा। सही अर्थ पर गोला लगाएं, जैसे उत्सव का अर्थ है त्योहार, निराला का अर्थ अनोखा, प्रतिदिन का अर्थ है हर रोज, स्वच्छ का अर्थ है साफ। नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखें, जैसे खेती करने वाला क्या कहलाता है, किसान। लकड़ी का सामान बनाने वाला बढ़ई। सही शब्द का प्रयोग करते हुए खाली स्थान भरें, जैसे मोर नाचता है और यहाँ क्या आएगा, कौन नाचती है, मोरनी। यहाँ पर ये स्त्रीलिंग आएगा, नाचती है इसलिए। लड़का खेलता है और लड़की खेलती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। भोलू को किसका पंख मिला? भोलू को मोर का पंख मिला। पेड़ों से मिलने वाली 2 चीजों के नाम लिखें। तो पेड़ों से मिलने वाली 2 चीजें लकड़ी और फल। इसके अलावा औषधि, गोंद, ये सब भी आप लिख सकते हो। खुद को जाने कविता में अनमोल अंग किसे बताया गया है? तो इस कविता में अनमोल अंग आंख को बताया गया है। सही कथन के सामने सही व गलत के सामने इस तरह गलत का निशान लगाएं। वैशाली ने अपनी बहन को पत्र लिखा, तो ये आपने उस पाठ में पढ़ा था ना कि वैशाली ने अपनी बहन को नहीं अपने भाई को पत्र लिखा था, इसलिए ये गलत आएगा। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये बात सही है। अच्छा का उल्टा शब्द होता है बुरा। इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखें, जैसे मित्र का शत्रु, दिन का रात। बच्चों इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। अपने शरीर का सबसे उपयोगी अंग आपको कौन सा लगता है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। साथ ही हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, इसके बारे में भी पता करें। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।